सर, भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके हमारे माध्यम से विश्व संवाद केंद्र के, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय शिक्षण मंडल अभी 52 वर्ष हो गए 1969 से काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भारतीय एक आदर्श विश्व में रहा, भारत माता विश्वगुरु रही वह सदियों तक, और जो 1835 के बाद में जिसका पूरा शीर्षासन हो गया, और जो एक देश एक समय पूरा साक्षरता विश्वगुरु था वो निरक्षर बन गया, उस स्थिति को बदलने की दृष्टि से कार्य करने वाला एक संगठन है भारतीय शिक्षण मंडल। अनुसंधान, फिर अनुसंधान पर आधारित जागरण मतलब प्रबोधन, फिर उसी पर आधारित प्रशिक्षण और प्रकाशन, और इन चारों के लिए संगठन, ये भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। आज देश के सभी प्रांतों में सभी जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, और स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी में भारतीयता कैसे आए, पद्धति में भी, नीति में भी और पाठ्य वस्तु में भी, तीनों में भारतीयता लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हिंदुस्तान की चौथी शिक्षा नीति, उससे आप संतुष्ट हैं इस रूप में कि उसमें जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए? एक तो इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नहीं तो हर 10-15 साल बाद आ सकती है। अंग्रेजी में NEP कहते हैं, लेकिन वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रयत्न पूर्वक किया गया, पहले नहीं चल रहा था, हमने कहा उसको बदल करके राष्ट्रीय कीजिए, क्योंकि इस देश में भले ही 34 साल बाद आई हो ये, लेकिन वास्तविकता में ये 185 साल बाद आई है। 1835 के शीर्षासन को ठीक करने वाली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में अद्भुत कुछ बिंदु आए हैं, जिनका यदि ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है, ऐसी ताकत इस शिक्षा नीति में है। जैसे भारत का ज्ञान नाम का एक 100 अंकों का पाठ्यक्रम छठी से लेकर उच्च शिक्षा तक सिखाने की बात की है। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा शुरू होगी इस साल से, IIT में हिंदी में और गुजराती में और बांग्ला में पढ़ाना शुरू हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीयता के मूल बिंदु है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमको दिखाई देते हैं। फिर जो लचीलापन है, शिक्षक का गौरव है, वो सब वापस लाने वाली ये शिक्षा नीति बन सकती। सर, क्या लगता है कि जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन सारे करने के लिए गुंजाइश दी गई है, और एक नया वातावरण का भी निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, स्थितियाँ भी सकारात्मक हैं, तो उससे व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मोहन की शिक्षा नीति हमारी हो, उसके लिए क्या मंडल सोचता है? 1986 की शिक्षा नीति में ही भारतीय शिक्षण मंडल के प्रयत्नों से, राजीव गांधी की सरकार थी, सैम पित्रोदा और यशपाल जी की समिति थी, भारतीय शिक्षण मंडल ने 3,500 सुझाव पूरे देशभर में से उसको दिए थे। उसी समय हमने वोकेशनल एजुकेशन, औद्योगिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से भाग बनाया था। रोजगार शब्द का अर्थ केवल नौकरी नहीं है, स्वरोजगार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उद्यम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये विषय जो बड़े पहले के जो बड़े ड्राफ्ट थे 240 पेज का था, फिर ये 66 पृष्ठ का आया जो अंतिम नीति आई, उसमें बहुत सारी बातें जो नीतिगत केवल थे वो इसमें लिए, जो एनालिसिस था वो पहले से हटाया गया। उस एनालिसिस में एक जगह पर शब्द आया था पहले वाले में, जिसका भाव इस नीति में भी है, कि नौकरी मांगने वाले तैयार करने की जगह नौकरी देने वाले बनाने वाली शिक्षा नीति बननी थी, जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनी, वो भाव इसके अंदर है। कुल मिला के देश का भी भाव बदल रहा है, आज का युवा अपने पैरों पर कुछ खड़ा होकर के नया प्रयोग करना चाहता है, उस उद्यमिता को बल मिले, इस प्रकार का एक वातावरण देश में निर्माण हुआ है, मुद्रा लोन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से शिक्षा नीति उसमें बहुत बड़ा एक योगदान करेगी। सर, अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ जो है एक अरसे में कुछ कार्य अच्छे से हो नहीं पाया है, और हमने ये सुना है कि नागपुर में आप एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं, और उसमें विषयों का भी एक चयन हो रहा है कि किन किन विषयों पर काम होना चाहिए खासकर, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अनुसंधान, शोध, रिसर्च, ये जो सारी बातें हैं, ये शिक्षा का मूल है। ज्ञान बिना शोध के नहीं मिलता है। उससे भी गहरा संस्कृत शब्द जो हम वहाँ प्रयोग करते हैं वो है तप। रिसर्च यानी तप, हमारे ऋषियों ने तप किया, यानी रिसर्च किया, अंदर भी और बाहर भी, इसीलिए भारत विश्वगुरु था।
तो इसलिए इस रिसर्च का, इस अनुसंधान का उद्देश्य ठीक करना, उसके लिए एक अभियान शुरू किया 2016 से, पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस इस नाम से। अभी उसका एक फाउंडेशन तैयार हुआ है, 106 एकड़ जमीन पे परम पूजनीय सुदर्शन जी के नाम से सुदर्शन तपोवन, जहाँ रिसर्च होगा वो तपोवन, तप होगा वो तपो, वहाँ खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध न्यास की बात की है, और जिसके लिए सरकार ने इस बार 200 करोड़ रुपए देकर विजय राघवन जी जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनको वो काम भी दिया है। उसके जो उद्देश्य है वो रिसर्च और रिसर्जेंस के उद्देश्य, उसके पैरेलल उद्देश्य है। एक बहुत बड़ा काम जो हमने नागपुर में शुरू किया था वो दिल्ली में भी साकार हो रहा है और पूरे देश में होगा ऐसा लगता है। तो अंतिम प्रश्न है, थोड़ा मध्य प्रदेश से स्थानीयता से जुड़ा हुआ है, कि आपके होते राष्ट्रीय शिक्षा मंडल में मध्य प्रदेश को क्या लाभ होने जा रहा है विशेष रूप से? मध्य प्रदेश से तो, मध्य प्रदेश का तो बहुत बड़ा योगदान पहले से ही भारतीय शिक्षण मंडल में रहा है। संस्थापक सदस्यों में मध्य प्रदेश से दो लोग थे, नर्मदा प्रसाद सोनी जी यहाँ से थे जो भारतीय शिक्षण मंडल के संस्थापक सदस्य। अभी हमने सार्थक एजुकेशन नाम का कार्यक्रम मार्च माह में किया था, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से और सभी निजी विश्वविद्यालयों से भी हमारा संपर्क हुआ है, और RFRF का भी MOU लगभग 12 विश्वविद्यालयों के साथ अभी मध्य प्रदेश में है। शिक्षा मंत्री और सरकार के साथ मिलकर के भी कुछ काम कार्यक्रम करने की योजना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता का विकास कैसे हो सके उस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।